वस्तु और सेवाएं जन तक पहुंचाने पे मदद करती है, जिससे वह जन पूर्ण रूप से शासन के हिस्से बनकर अपने समस्त विकास को सुनिश्चित कर पाते हैं। ये व्यक्ति जो होगा ये क्या बनेगा, एक एक्टिव पार्टिसिपेटर बनेगा उस सरकारी तंत्र का। तो ये क्या बन जाए, एक एक्टिव पार्टिसिपेटर बने। एक अच्छा शासन क्या किसको आप मानोगे, सपोज करो आप लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है, उसने लॉ बनाया, आप जाके रोड को पार कर दिए, पुलिस वाला पकड़ लिया, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो सरकार अपने हिसाब से कोई भी निर्णय नहीं लेगी। समझ आ रहा है? चलो, तो आज मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले आपको, गवर्नेंस। ये टॉपिक मेंशन नहीं है पर इसको समझना है, गवर्नेंस। और इस गवर्नेंस के अंदर दो टॉपिक है हमारे यहाँ पे, एक है आपका गुड गवर्नेंस और एक है ई गवर्नेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, गुड गवर्नेंस, और एक होता है ई गवर्नेंस। गवर्नेंस को क्या बोलते हैं, शासन। क्या बोलते हैं, शासन, सुशासन और ई शासन, या बोल सकते हैं शासन, ठीक है ना। तो पहला चीज़ तो यह आप लोग पढ़ने वाले गवर्नेंस, तो चाहे गुड हो चाहे ई हो, इसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि गवर्नेंस क्या है। चलिए, एग्जाम देने आए हैं, अधिकारी बनने आए, अब ये मेरे को बता दो शासन का मतलब क्या होता है और कौन किसको शासन कर रहा है, क्या है शासन, व्हाट इज गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे ना हम लोग सभी, तो बताइए कि शासन क्या होता है। हाँ बताओ। हाँ पनिश कर देना सीधा ट्रायल के बाद और बिना ट्रायल के, तो व्हाट इज गवर्नेंस ये पूछ रहा हूँ ना, बताओ। एक सेकंड, बस एक सेकंड ना, इनको मैं नोट्स के लिए भेजा, उसको मैं मैसेज डाल दूँ। चलो अब बताओ। पनिश करना एक प्रकार का गवर्नेंस है, और कोई प्रोसेस है। और पॉलिसी बनाना और उसको एप्लीकेबल करना। तो ये शासन हो गया। आप बताओ। आप बताइए। तो एसेंशियली जो आप लोग बोल रहे हैं और जो गवर्नेंस है, दोनों में मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो, गवर्नेंस क्या है। आप बोल रहे हो कि गवर्नेंस के लिए दो फैक्टर हैं, यहाँ पे शासन के दो प्रारूप है, या बोल सकते हैं दो उसके घटक है। देयर आर द टू फैक्टर्स ऑफ गवर्नेंस। नंबर वन गवर्नमेंट बोल रहे हो आप, उसको सरकार है ना। अब सरकार में हम सभी को ले रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी, सब आगे गवर्नमेंट के ऑल द सम पार्ट। और सेकेंड फैक्टर आप बोल रहे हैं कि पीपल है। दो ही पार्ट है ना, कि और भी कोई है, यही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही है कि एक तरफ वो है एक तरफ हम हैं। इसको अब हम लोग अलग अलग रूप से देखते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एसेंशियली व्हाट यू ऑल हैव सेड, सभी ने ये कहा, ठीक है ना, आप सभी ने ये कहा कि ये जो हिस्सा है ये जो लॉ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, ये सारा का सारा लोगों पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना, यही गवर्नेंस है। इतना ही बोल रहे हो? नहीं, इतना नहीं होता गवर्नेंस। ये गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट है। गवर्नेंस क्या होता है, उसको बोलते हैं सम टोटल। सम टोटल मतलब सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक व्यवस्था। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द लॉज, जितने भी लॉ हैं कानून, वो पॉलिसी सरकार की जो नीति है, इसकी जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, इसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकार के जितने भी तंत्र हैं या उसके जितनी भी संगठन हैं या शाखाएं हैं, वो सभी मिलकर, ये कानून, संगठन, शाखाएं, वे सभी मिलकर एक व्यवस्था को निर्माण करती हैं, जिस व्यवस्था के माध्यम से लोगों तक या जन तक, थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑर्डर और द स्ट्रक्चर टू द पीपल वी प्रोवाइड और दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोगों क्या करते हैं, वस्तु और सेवाएं जो उनको चाहिए वो वहाँ तक प्रदाय करते हैं, उनका प्रदान करते हैं। और इस रूप में उसे प्रदान करते हैं कि ये व्यक्ति जो होगा, ये क्या बनेगा, एक एक्टिव पार्टिसिपेटर बनेगा उस सरकारी तंत्र का। तो ये क्या बन जाए, एक एक्टिव पार्टिसिपेटर बने, एक्टिव पार्टिसिपेंट। और इस रूप में ही क्या होगा, इसके समस्त जितनी भी उसकी क्या होगी पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है, उस व्यक्ति का समस्त पूर्ण रूप से विकास संभव हो पाएगा। सो दैट दिस पर्सन कैन डेवलप इट्स ओन फुल कैपेसिटी और फुल पोटेंशियल। वो अपना समस्त विकास सुनिश्चित कर पाएगा। जब ये होगा तो इसको बोलेंगे शासन, गवर्नेंस। गवर्नेंस एक फैक्टर नहीं, ये नहीं है कि ये एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव है। आप लोगों का डेफिनेशन क्या था कि ये एक्टिव है, ये प्रोवाइड करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, प्रोवाइड करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। नहीं, ये भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है, क्योंकि कैसा कानून जो हमें अधिकार दे रहा है कि हम सरकार से मांग रखें। एक सिर्फ वो कानून नहीं है जो सरकार को बोल रहा है कि आप दो। अगर सरकार को ही अधिकार हो गया कि वही कानून बनाए और वही देते रहे और हम मांग ही ना पाए, तो फिर उसको गवर्नेंस क्यों बोल रहे हो, उसको ऑटोक्रेसी क्यों नहीं बोल रहे हो? प्रजातंत्र हो गया ना। प्रजातंत्र भी क्या, फिर तो ये कोई अलग ही तंत्र हो गया कि सिर्फ वही नीति बना रहे, सब कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ले पकड़। हमारी जो ज़रूरत है हम भी तो बताएं, और ऐसा कोई चीज़ें नहीं बन रही जो हमारी ज़रूरतों को नहीं देख पा रही है, तो वो शासन ही कैसा है? तो गवर्नेंस इज अ सम टोटल ऑफ लॉ, पॉलिसी, स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट विच हेल्प्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल हु आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दिस गवर्नेंस सिस्टम एंड देयर बाय दे कैन रियलाइज देयर फुल कैपेसिटी और पोटेंशियल। क्लियर है सभी को? लोक प्रशासन, सॉरी आपका क्या है, शासन वह व्यवस्था है, यह शासन उन समस्त चीज़ों का एक क्या है, एकाएक रूप है, जैसे कि कानून, विधि, योजना, संगठन, जो सरकार के तंत्र के अंदर मौजूद हैं, जिसके माध्यम से सरकार वस्तु और सेवाओं का लोगों तक, जन तक क्या कर सकती है, वस्तु और सेवाएं जन तक पहुंचाने पे मदद करती है, जिससे वह जन पूर्ण रूप से शासन के हिस्से बनकर अपने समस्त विकास को सुनिश्चित कर पाते हैं। दे कैन डेवलप देयर फुल पोटेंशियल। लिखना है, मेरे को नहीं देखते रहना है। I'll not make you write this thing. आपको लिखना है। नोट्स दे दूंगा लास्ट में, नोट्स आई विल प्रोवाइड, बट अभी आपको लिखते चलना है। एक शॉर्ट नोट जैसा बनाओ, ये कीवर्ड्स को लिखो ना फटाफट। कई लोग तो लिख ही नहीं रहे हैं, अभी तो लिखवाएंगे, नहीं लिखवाएंगे, अब हो गए हो, अब ग्रोन अप हो गए हो। छोटे बच्चे थे ना जब, तब लिखवाता था पूरा, एक एक लाइन बैठा कर। अभी समझ आया? तो दो पार्टिसिपेंट हैं, वन इज़ गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज़ पीपल, और दोनों एक्टिव हैं, उसके बिना नहीं होगा। अच्छा, तो अब केवल ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज गवर्नेंस, गिव इट्स फीचर। पहला क्वेश्चन वहीं लिखो, प्रशासन क्या, सॉरी शासन क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। तो शासन क्या है समझ आया, गवर्नेंस क्या है, किसी को दिक्कत है इसमें? अभी गवर्नेंस समझ नहीं आया तो मेरे को बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। परिभाषा को लिख लिया अपने हिस्से से, लिखवाऊँ क्या, लिख लिया ना। अच्छा, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर ये सारे चीज़ इन्वॉल्व है, तो गवर्नेंस का फीचर क्या होगा, इसकी विशेषताएं क्या है? शासन की विशेषताएं क्या है। चलो 4-5 फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस? हाँ, पीपल सेंट्रिक। तो फिर पीपल तो फिर वही कर दिए कि लोगों को जोड़ना भी तो है ना। एडमिनिस्ट्रेशन होता है पीपल सेंट्रिक, पब्लिक सेंट्रिक। गवर्नेंस बात कर रहे हैं जहाँ पर बोथ वे है। तो यहाँ पर आप क्या, पहला फीचर क्या है? बोथ द गवर्नमेंट एंड पीपल आर एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द पर्टिकुलर गवर्निंग स्ट्रक्चर। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत व्यक्ति और सरकार दोनों ही क्या होते हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। लिखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन किस किस का है इसमें? दोनों का। तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट तो दोनों ही है, गवर्नमेंट भी है और पब्लिक भी है। हाँ, दूसरा गवर्नेंस का क्या हो सकता है, जिसमें ये ने कहा था क्या, ये वेलफेयर अप्रोच पे होता है, ठीक है ना। दे वर्क ऑन द वेलफेयर अप्रोच, जनहितकारी या हितकारी, जनहितकारी के रूप से ही ये कार्य करते हैं। ठीक है। थर्ड क्या होता है गवर्नेंस में? इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड गवर्नमेंट इन द गवर्निंग प्रोसेस। इवन जो क्या है शासन की प्रक्रिया है, उसमें भी लोग और सरकार दोनों ही क्या होते हैं, तो उसमें सहभागिता करते हैं। जन सहभागिता एवं शासन सहभागिता एक साथ, जन और शासन की सहभागिता सुनिश्चित होती है इस प्रक्रिया में। तो गवर्नेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर दोनों क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके साथ में चलते हैं। तो पीपल सेंट्रिक क्या बोल सकते हैं, वेलफेयर अप्रोच बेस्ड, उसी को पीपल सेंट्रिक बोलते हैं। हाँ, और क्या होता है गवर्नेंस में, और क्या गवर्नेंस बताइए, शासन फीचर्स। लेट मी डिस्कस। ऐसे ही होगा ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पैसिव स्टडी आप नहीं करोगे, एक्टिव स्टडी करोगे। हाँ बताओ, वेरी गुड, ठीक है ना। इट इज़ ऑलवेज द रूल्स और द पॉलिसी बेस्ड। ये नियम कानून पर आधारित एक व्यवस्था होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स और द रूल्स बोलो, पॉलिसी नहीं बोलते, रूल्स बेस्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन द सर्टन लेड रूल्स एंड द लॉज। यह लिखित या अलिखित जिस भी तरीके से नियम या कानून से ही संचालित होती है, ठीक है ना, कानून से ही संचालित होती है, उसके बिना नहीं होती। तो एक वेल डिफाइंड आपका रूल्स होगा या लॉ वहाँ पर कोडिफाइड होगा। हाँ, नेक्स्ट इट इज़ चेंज ओरिएंटेड। ये निरंतर क्या होता है, परिवर्तनशील होता है या परिवर्तनशील होता है। इट इज़ चेंज ओरिएंटेड वेयर इट चेंजेस इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द डिमांड ऑफ टाइम। जो अपने आप को समय या जो भी क्या कंडीशन सिचुएशन है उसके हिसाब से परिवर्तित करता है। श्रद्धा क्यों नहीं लिख रहे हो, लिख लियो, कहाँ लिखे हो, खो गए हो क्या फ्री के बाद? हाँ हाँ, तो लिखो ना उसको, प्रोसेस बस नहीं करना, उसको लिख लेना है, उसको याद करना है बाद में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ों को सुनिश्चित कर। तो ये तो हो गया आपका गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के साथ बहुत सारी समस्या 1980s के आसपास क्या हुआ, ये शब्द जो था गवर्नेंस ये वैसे आया नहीं था, एक्चुअली में प्रॉपर शब्द नहीं आया था, बट शासन हो रहा था। प्रॉपर एक सब टर्म कॉइन नहीं किया गया था, पर बोलते थे शासन गवर्नेंस, पर उसको बहुत लूजली डिफाइंड किया गया था, समझाया नहीं गया था पूर्ण रूप से। तो मानते थे कि हाँ ये शासन है, इसकी व्यवस्था सब कुछ चल रहा है। पर जब 1980s के आसपास क्या हुआ कि गवर्नेंस में माइल गवर्नेंस हुआ। माइल गवर्नेंस मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस। ऐसी चीज़ें देखने को मिली दुनिया भर में, चाहे न केवल भारत में पूरी दुनिया में, कि जो शासन या प्रशासन के तंत्र के हिस्से बने थे जो लोग, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नया वर्ल्ड ऑर्डर बना तो 1980s के बाद ये सामने आया कि जितने लोग भी शासन या प्रशासन के हिस्से बने वो सभी के सभी कंट्री में देखने को मिला करप्शन। कोई करप्शन कर रहा है, कोई मिसयूज़ ऑफ पावर कर रहा है, शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए लोक प्रशासन की जो क्या थी स्टडी थी, उस स्टडी में इस गवर्नेंस की सुधार कैसे की जाए, जो गवर्नेंस की प्रक्रिया है उसको और प्रेजेंट कंडीशन पे कैसा लाया जाए। तो पहले एक चीज़ आया क्या, गुड गवर्नेंस एक शब्द दिया गया, सुशासन। बोले क्या कि शासन तो है पर शासन को क्या करना होगा, सुव्यवस्थित करना होगा, एक अच्छे व्यवस्था में लाना होगा। तो ऑलरेडी फिर क्या किया गया, इसके कुछ पैरामीटर डिफाइन किए गए। पैरामीटर मतलब उसके कुछ ऐसे घटक बताया गया कि एक शासन की जो व्यवस्था बनेगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें अगर होंगी तभी वो शासन सही रूप से है, नहीं तो वो शासन सही रूप से नहीं चल रहा है। इफ़ ऑल दिस पैरामीटर आर फाइंड इन अ पर्टिकुलर गवर्निंग सिस्टम देन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज़ अ गुड गवर्निंग सिस्टम और एल्स दैट गवर्निंग सिस्टम इज़ अ फ्लॉड और द फेल्ड गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, वो एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो एक ये पैरामीटर लाया गया और वहाँ से एक शब्द दिया गया गुड गवर्नेंस 1992 पे बाय वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने एक शब्द दिया जिसका नाम था गुड गवर्नेंस। तो इसी गवर्नेंस की जगह पे एक शब्द दिया गुड गवर्नेंस और सेम उसी में वर्ल्ड बैंक ने दूसरा टर्म भी दिया ई गवर्नेंस, जो बहुत ऑफ लेट चालू बाद में हुआ, क्योंकि 1992 की बात करें 80 के उसके आसपास तो इतनी ज़्यादा इंटरनेट नहीं आई थी दुनिया में। वर्ल्ड में इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ 1995 के बाद या 98 के आसपास। तो पहले तो जो नॉर्मल सिस्टम चल रहा था उसी से गवर्नेंस करना की बात हुई कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर कर पाएँ। फिर देखा कि नहीं, सेवा का पूरा एक नया क्षेत्र इंटरनेट का माध्यम बना, तो ये देखा गया कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने गवर्नेंस सिस्टम में ताकि उसको और बेहतर और पीपल सेंट्रिक बनाया जा सके। तो वहाँ से क्या लाया गया, ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। तो पहले गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इसी से निकले क्या दो कॉन्सेप्ट, गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्यों दिया था, क्योंकि जो गवर्नेंस की बातें यहाँ पर रखी गई थी उसकी विशेषताओं में या जो भी चीज़ें उसके घटक थे उसमें कुछ समस्याएं देखने को मिली। क्लियर हो रहा है? और क्या समस्याएं देखने को मिली, करप्शन सबसे बड़ा काम था उसमें लॉ का मिसयूज। ठीक है ना, लोगों के ऊपर अथॉरिटेटिव बनने का प्रक्रिया चला, मतलब लोग क्या किए कि ऊपर से बैठ के कोई राजा जैसा काम कर रहा है, कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसको जो मन में आ रहा है वो जो लोगों को बोल रहा है लोगों को वही करना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएँ हुई और जब भी ऐसा समस्या होता है तो कूप हो जाता है किसी कंट्री में। जब कोई एक आदमी अपने हाथ में पूरी शक्ति को लेने का प्रयास करता है तो उस कंट्री में आर्मी रूल लग जाता है अक्सर। ठीक है ना, क्योंकि उसको हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे ही कुछ एक व्यवस्था बनने लगा था पूरे विश्व में, बहुत जगह पे हुआ। तो इसलिए गवर्नेंस की जिन लोगों ने स्टडी की थी, जिन लोगों ने स्ट्रक्चर दिया था, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब बदल चुका है और क्योंकि हमारा लोक प्रशासन बदल रहा है तो हमको एक नए आयाम की ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को और व्यवस्थित और एक अच्छा कर पाएँ, है ना, सो दैट वी कैन रूल आवर सिस्टम बाय अ गुड मीन। सो दे हैव डेवलप्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है ना, सो दिस वर्ड इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। नाउ अब यहाँ से हमारे दोनों टॉपिक का ओरिजिन होता है। ये हमारा टॉपिक नहीं था, बट एक साल उसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज गवर्नेंस, 2 नंबर में डिफाइन गवर्नेंस, तो कर लेंगे उसको। ठीक है, एक लिखित डेफिनेशन मैं दूंगा आपको, आप उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल के इसको आपको डिफाइन करना होगा। चलो अब आते हैं दोनों टॉपिक पे करके, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, सुशासन लिखेंगे सभी, सुशासन। ठीक है, अब देखो इसके बारे में आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता देता हूं। पहले बात तो स्टडी में जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो 1992 में सबसे पहली बार कहाँ किसने दिया शब्द, 1992 दिस वर्ड इज क्वाइंड बाय, ये जो शब्द है इसको दिया है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इस शब्द को वर्ल्ड बैंक ने दिया है, जो इस वर्ड को गुड गवर्नेंस इंग्लिश में बोला गया है। हिंदी में हम सुशासन लिख रहे हैं पर सुशासन शब्द हिंदी में चाणक्य ने बहुत पहले दे दिया था अपने अर्थशास्त्र में, पर वो एग्जैक्ट वर्ड सुशासन लिखा था, शासन की व्यवस्थाओं को एक तरीके से बोला था। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो गुड गवर्नेंस की बात बहुत पहले कर दी गई थी किसके द्वारा, कौटिल्य। और कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में इसको लिखा था। ठीक है ना, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है उसमें इस चीज को मेंशन किया गया और बाद में इसका एक बहुत प्यारा सा डेफिनेशन किसने दिया, एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो आपको मेनली यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये नहीं आने वाला है कि भाई आप पूरा उसका जर्नी बताओ, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज गुड गवर्नेंस, गिव इट्स एट्रीब्यूट्स। गुड गवर्नेंस क्या है, इसके कारकों को बताइए। ठीक है, तो सीधा बात है कि हम या तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ डेफिनेशन लिख सकते हैं, या तो एपीजे अब्दुल कलाम का दिया हुआ डेफिनेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जहां पर आप अपने मन से डेफिनेशन नहीं लिखोगे, किसी का दिया हुआ डेफिनेशन लिखोगे और कोट करते हुए। जैसे गुड गवर्नेंस का मैंने बता दिया, वो मैं आपको डेफिनेशन लिखा हुआ दूंगा वर्ल्ड बैंक का, आप उसको याद करने का कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है? दूसरे का होगा वो टॉपिक आपके अच्छे रहेंगे। इन देखो इस साल तो आप पढ़ रहे हो उसको, अगर अगले साल समझो तो सिलेबस भी चेंज हो जाता है। किसी ना किसी जगह पे लिखा ही रहेगा गुड गवर्नेंस, याद रखना, ये डरना मत। ये वो टॉपिक है जो सदाबहार टॉपिक है, ये आएंगे ही आएंगे सिलेबस में। अगर सिलेबस बदल भी जाएगा ना तो भी गुड गवर्नेंस ई गवर्नेंस को ना पूछे हो ही नहीं सकता, वो है हिस्सा, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऐसे के टॉपिक्स है, ये अपने आप ऐसे में आ सकता है। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटेले ने बोला, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसका डेफिनेशन दिया। ठीक है ना? अब कॉटेले ने जो डेफिनेशन दिया था पहले सुनना उसको, उसमें उन्होंने क्या बोला, उसके बाद बात करेंगे इन्होंने क्या बोला। ठीक है ना? तो कॉटेल ने सुशासन के लिए राजा की कुछ विशेषताएं बताई थी। ही इज़ नॉट जस्ट डायरेक्टली डिफाइन कि गुड गवर्नेंस क्या है। कॉटेल ने जो किंग है, किंग की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात किया। एक राजा की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए और वही विशेषता जो होगी वही क्या करेगी, उस राजा की जो क्वालिटीज़ होगी वही वहाँ के शासन को प्रेरित करेगी। उसने बोला कि अगर किसी राजा की हैप्पीनेस उसके सब्जेक्ट पे है, ना कि उसकी अपने खुद के पर्सनल गेन पे है, तो वो एक गुड गवर्नेंस है। ठीक है ना? इफ द किंग हैप्पीनेस लाइज इन इट्स सब्जेक्ट हैप्पीनेस एंड नॉट इन हिज ओन वेलफेयर, ठीक है ना, देन दैट इज नोन एज गुड गवर्नेंस और द किंग बेस्ड गुड गवर्नेंस। तो कहीं ना कहीं कॉटेले बोल रहे थे कि उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, जो किंग है वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलफेयर अप्रोच बेस्ड आदमी होना चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो जन के लिए कार्य करे और जन की खुशियों में अपनी खुशियां देखे, ना कि स्वयं के लिए कार्य करे। ठीक है ना? तो अभी देख लो हमारे राजा क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास भी एक राजा है ना। क्लियर है ना? अभी समुद्र में कूदे थे कुछ दिन पहले, 2 बार कूद चुके हैं। तो किंग का जो क्या है, किंग का जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सब पब्लिक नहीं होना चाहिए। किंग का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो वेलफेयर है, इसकी जो वेलफेयर है वो क्या होगा, वो होना चाहिए एक राजा की क्वालिटी, ना कि। और अगर ऐसे राजा हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेलफेयर बेस्ड या गुड गवर्नेंस। समझ आ रहे हैं? तो कॉटेल ने पूरा डिफाइन नहीं किया, कॉटेल ने केवल इस पक्ष को रखने का वहाँ पर प्रयास किया गया। ठीक है? बाद में महात्मा गांधी ने स्वराज की बात की थी। महात्मा गांधी का क्या, ग्राम स्वराज, तो उसमें उन्होंने बोला था स्वराज या स्वराज्य, मतलब जो राज्य व्यवस्था है वो क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, लोगों के द्वारा शासन होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये इंडियन कंटेक्स्ट में आप बता सकते हो कि इन इंडियन कंटेक्स्ट गुड गवर्नेंस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन एज इन द अर्थशास्त्र। इसकी सर्वप्रथम भारत के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर सुशासन के रूप में कॉटेल ने राजाओं की कुछ विशेषताओं को प्रदर्शित किया। वेयर कॉटेल हैज मेंशन अबाउट द वेरियस क्वालिटीज ऑफ किंग, लिखो क्वालिटीज ऑफ किंग ऑफ वेल गवर्न स्टेट, ऑफ वेल गवर्न स्टेट। कॉटेल ने भारत के परिप्रेक्ष्य में सुशासन को राजाओं के द्वारा, राजाओं की कुछ विशेषता पर अंकित किया। देखोगे इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइज, इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइज हिज हैप्पीनेस comma, in welfare of his subject lies his welfare, in welfare of his subject lies his welfare, quote unquote full stop। जन की खुशी में राजा की खुशी अंकित होती है। और वेलफेयर मतलब क्या बोलोगे हिंदी, लोक कल्याण, लोक कल्याण नहीं जन कल्याण बोलते हैं। जन कल्याण में ही राजा का स्वयं का कल्याण अंकित होता है। तो एक ऐसा राज्य जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है उसी को बोलेंगे गुड गवर्निंग स्टेट। ठीक है? अब गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है अच्छे से समझो। अब जो वर्ल्ड बैंक ने बोला उसको बता रहा हूं। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ने जो आपका क्या होते हैं सुशासन है, उस सुशासन के लिए जो शब्दों को रखा उसको अच्छे समझिए। वो ये बोल रहा है कि अगेन वो दोनों पैरामीटर्स को हम लोग आगे ले आते हैं। एक तरफ हमारा कौन है, गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ क्या है, पब्लिक, लोग या लोक बोल सकते हो। यहाँ कौन है, सरकार। ठीक है। अब इसका ये कहना था वर्ल्ड बैंक का कि गवर्नमेंट का जो काम है वो क्या है, केवल और केवल गवर्न करना। और गवर्न करने के लिए वो क्या करेगा, नीति निर्माण करे, कानून बनाए और बाकी लोगों पे छोड़ दे, बाकी व्यवस्था को वो चलाएंगे। मतलब मिनिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि आप अपने आप को कम से कम करिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति देने का प्रयास किए। जब ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी जहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल कम होगा और पीपल का गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा रुझाव होगा और वो उसको रन कर रहे होंगे, तो वो होगा एक गुड गवर्नेंस। समझ नहीं आया, कितने लोग को आया? नहीं, वो तो बात की बात है, अभी जो बताया समझ आया। एक अच्छा शासन क्या, किसको आप मानोगे? सपोज करो आप लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है, और आप घर पे बैठे हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल आपको घर पे बैठा दिया गया। आपके गांव में क्या होता है, हर दिन एक पानी का टैंकर आता है, पानी पहुंच जाता है, खाने की बोरी आती है, आप खाना खा लेते हैं। आपको ये नहीं बताया गया कि दूसरा भी कोई गाँव होता है, किसी भी तरीके की आपको शिक्षा नहीं प्रदाय की गई है, किसी भी तरीके से आपको अथॉरिटी नहीं है चीज़ों के लिए, पर आपको सब कुछ मिल जा रहा है। क्या गवर्नेंस अच्छी हो रही है? हाँ, आप गांव के अंदर हो, खाना आप खुद उगा के खा रहे हो, आप उस गांव से बाहर जा सकते हो, आपको शिक्षा प्रदान की गई है और आगे चलकर आप खुद उस व्यवस्था का हिस्से बन सकते हैं जो आपको शासित कर रहा है। विच इज़ रूलिंग यू, यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। कौन सा बेहतर है? सेकेंड वाला अच्छा है। तो काहे को चुनाव का घोषणा पत्र का इंतजार करते हो? यही तो प्रॉब्लम है, हम बोलते कुछ हैं और एक्चुअल में करते कुछ और है। अभी देखे कि नहीं, नारी सम्मान के लिए इतना दिया तो इस बार सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ सोच लें थोड़ा, 15 लाख आएगा बोलकर एक जन ठग दिया था पहले, तो नहीं आया ना, 10 साल बीत गए, 14 से 24 आ गया, 15 लाख तो नहीं आया। तो अल्टीमेटली यही गवर्नेंस है। तो वो एक्चुअल में गुड गवर्नेंस लाएंगे सुशासन नाम ला के, सुशासन दिवस मना के, जो सत्यानाश शासन हुआ है उसकी रियलिटी है। तो वर्ल्ड बैंक इसी चीज को समझा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाना है, ठीक है ना, जो हमको करना है हम खुद कर लेंगे। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा था? हाँ, फैन आ जाओ, और आप भी आगे पीछे के बैठे हो, हाँ ठीक है, नहीं फैन के नीचे आ जाओ, आराम से बैठिए। अभी समझ आ रहा है। तो गुड गवर्नेंस जो शब्द है वो क्या हो रहा है अभी आपको समझ आएगा। तो गवर्नेंस हमने एक शब्द देखा कि वो पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो एक पूरा संरचना था जिसमें लोग थे, पीपल और ये, और हम बोल रहे थे कि दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस ने क्या बोला कि ये दोनों एक्टिव फैक्टर रहेंगे, सरकार भी एक्टिव रहेगा, लोग भी एक्टिव रहेंगे। सरकार केवल जितना सीमाएं वहां तक एक्टिव रहे, बाकी लोगों को जितना एक्टिव कर सकता है कोशिश करें। प्रोडक्शन करना है, एग्रीकल्चर करना है, लोगों को अच्छे से सशक्त करो, वो एग्रीकल्चर को संभालेंगे, आप मत घुस जाओ हर चीज़ में, हम उगाएंगे। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है स्टेट वर्सेस मार्केट का भी, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, सीमाएं कितनी हैं, जो संसाधन है वो सीमित हैं, और सीमित संसाधनों से हम पूर्ण शासन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमारे रिसोर्स जो दूसरे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं या दो अन्य रिसोर्स हैं, उसको डेवलप करना होगा, उसको विकसित करना होगा, और जब हम उसको विकसित कर पाएंगे तो वो शासन की प्रक्रिया में हमारे लिए लाभकारी होगा। दैट विल बेनिफिट आवर गवर्निंग स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? तो सिंपल सी बात है कि तो गवर्नमेंट को उसका लिमिटेशन कहाँ से होना, गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू गवर्निंग फंक्शन ओनली। सरकार केवल अपने शासन की प्रक्रिया तक सीमित रहे, जैसे कि विधि निर्माण, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण, एक्सेट्रा। और पीपल शुड एंगेज एज एन active participant in all other aspect of governance. ऐसी एक व्यवस्था होगी, उसको क्या बोला जाएगा? सुशासन। क्लियर हुआ? शासन क्लियर हुआ, पहले शासन से सुशासन क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो हिस्से हैं, एक सरकार है और दूसरा क्या है, लोग है। सरकार अपने आप को सीमित करेगी किस कहाँ तक, केवल और केवल गवर्निंग फंक्शन तक। गवर्निंग फंक्शन मतलब उसका शासनिक व्यवस्था, जैसे कि क्या हो गया, विधि निर्माण, ठीक है ना, कानून निर्माण, वहाँ तक बस वो करे, ठीक है ना। उसके जो ऑफिसर्स उससे उस योजनाओं को ग्राउंड तक इम्प्लीमेंट करवा दे। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि लोगों का क्या हो, विकास और विकसित होने के बाद वो सरकारी तंत्र में से बहुत सारी चीज़ों को कम कर दें। अब हमारे यहाँ विकसित होने का देखो प्रक्रिया कैसे चालू होता है। अब मैं आपको गुड गवर्नेंस सिस्टम बताता हूँ, इसी का एडवांसमेंट होगा ई गवर्नेंस। अब देखो सपोज करते हैं हम सभी को क्या दे दिया गया, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हम सभी को मोबाइल फ़ोन दे दिया गया और हमारा बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया। पर्पस जो भी रहा बट ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यूपीआई ले आए, इसके साथ साथ क्या लिया, भारत क्यूआर कोड, ठीक है। अब ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार होती इसको लेकर आती, क्योंकि समय की ज़रूरत थी। अगर कांग्रेस भी कंटिन्यू कर रही थी तो वो भी लेकर आती, बीजेपी ने लाया, अच्छी बात है, ठीक है। अब ये कोई भी व्यवस्था है, ये अल्टीमेटली क्या की, लोगों को फाइनेंशियली एक प्रकार से लिटरेट कर दिया कि वो अपने पैसे को डायरेक्ट इस्तेमाल करना, बैंक में नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास जाकर काम के लिए हमको बार बार पहुंचना पड़ रहा है, उसके लिए हम खुद क्या हो गए, सशक्त हो गए। तो क्या आप बैंकिंग के लिए हमको कहीं जाना है, हम खुद उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो क्या उसके लिए हमको और व्यक्ति चाहिए होंगे? नहीं। तो हमारा जो गवर्नमेंट का रिसोर्स है वो कम नहीं हो, रिसोर्स उतना ही रहेगा, उसका यूसेज कम होगा, हम उसको और कहीं लगा पाएंगे। पहले सरकारी एम्प्लॉय हमारे पास मान लेते 2 लाख थे, पर हम जब बाकी तंत्रों को लाएंगे तो एम्प्लॉय कम होंगे, तो गवर्नमेंट और जगह पर अपना इनपुट दे पाएगी, इनपुट देगी तो प्राइवेट जनरेट होगा, जब वो जनरेट होगा तो लोगों की नौकरी ज़्यादा मिलेगी, ऑप्शंस क्रिएट होगा। तो फिर किस बात से डरना है प्राइवेटाइजेशन से, लोग है क्यों डरना है, वो ज़रूरत है। आज वो दूसरे तरफ से ये बोल रहे हैं कि नहीं प्राइवेटाइज करके बेच रहे हैं, वो भी आएंगे, वो भी यही करेंगे, क्योंकि डिमांड है ना, उसकी ज़रूरत है। प्राइवेटाइज नहीं, उसको बोलते हैं और भी उसके लिए शब्द, इकोनॉमी में बातें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हमने ये सिस्टम को जनरेट किया तब लोग डायरेक्टली इसको ऑप्ट कर लिया और अब वो उसको खुद चला रहे हैं। तो जो व्यक्ति पहले एक पैसिव पार्टिसिपेंट था, पैसिव मतलब जिसको कार्य नहीं कर रहा था, बैंक में जाते थे, खड़े रहते थे, रजिस्टर में नाम लिखवा के आते थे, हर बार बैंक जाके लाइन खड़े होते थे और पैसा निकालते थे, एटीएम मशीन भी नहीं लगी थी। अब वो व्यक्ति खुद से अपने पैसे को डायरेक्टली निकाल रहा है, इनटेक कर रहा है, आउटटेक कर रहा है, उसका फ्लो अच्छा है। साल में महीने में एक दिन गया तो पासबुक एंट्री करा लिया, हुआ ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो पहले गवर्निंग का लोगों ने अपना रूप बढ़ा रखा था, उसको धीरे धीरे क्या किया गया, छोटा किया। तो जब इस तरीके से गवर्निंग आएगा तो क्या होगा, गुड गवर्नेंस होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने यही बोला कि जब पीपल को हम एक पैसिव से एक्टिव पार्टिसिपेंट हर रूप में पहुंचा और सरकार केवल और केवल अपने फंक्शन तक ही लिमिटेड रहे, व्यवस्थित रहे, तो उसे क्या बोला जाएगा, गुड गवर्नेंस, सुशासन। अब सुशासन के लिए वर्ल्ड बैंक ने 8 फैक्टर बताए कि कोई भी शासन तभी सुशासन होगा जब उसके अंदर ये 8 फैक्टर दिखेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, फैक्टर्स या बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, फैक्टर या एट्रीब्यूट्स, घटक, सुशासन के घटक। सो देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। इस डायग्राम को ऐसे ही ड्रॉ करना जैसा बनाया मैंने, अपने मन से कुछ और नहीं बनाया, जस्ट ड्रॉ इट, बनाइए। आप लोग नहीं लिख रहे, यार डेमो क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, मतलब आप आगे ज्वाइन करें ना करें, मेरा ये कहना है कि आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके काम आएगा। ले लीजिए ना, वाइट शीट ले लीजिए जाके, कब बैठे हैं, क्लास कर ही रहे हैं तो कर लीजिए अच्छे से, मेरा ये कहना है। अभी क्लास नहीं कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर क्लास के बाद मिल लेंगे, या तो आप लोग लिख लीजिए कोई, तो ये बैठेंगे। हाँ वही, आप लोग थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास के बाद इसका देखिए मेरी एक और क्लास भी है, हाँ 5:40 के आसपास क्लास है, क्योंकि आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो मैं कोई लग रहा है या थके हुए यहाँ, तो नोट्स नहीं रखे हैं। क्या क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग, ऐसी बात कर सकते हैं। अच्छा सर उनको देना है, जी जी अच्छा। और आपका हाँ पढ़ाए हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, तो ये पढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे नहीं, तो आप अपने पर्सनल लेवल में क्या काम कर रहे हैं? अच्छा खेती किसानी कर रहे हैं, अच्छा 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 ठीक है। आप मेरे से ना क्लास के बाद मिल लीजिए। अच्छा अच्छा, तो मैं लगा कि मैं यहाँ आऊँ करके, क्योंकि आपका राइटिंग स्किल देखा हुआ था मैंने। जी जी, मेरे दोस्त भी बताया था नेताम सर। अच्छा सर से मिल लीजिएगा करके, ठीक है सर। मैं साढ़े ठीक है, आप आ जाइए 5:40। सॉरी सर। नहीं नहीं, इट्स ओके, सॉरी की बात नहीं है, वो लोगों ने शायद मिसकम्युनिकेशन किया, कोई नहीं ठीक है। चलो क्या बोलो, टीचर भी आते हैं ठीक है, यहाँ शिक्षक भी आके बैठते हैं कि और कुछ सीखने को मिले। चलो तो आप सही जगह में हो, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, आप देख लो यही हो रहा है एक्चुअल पे। मेरे पास उधर सहस्त्र वाला आ गया कि सर मेरे को ही पढ़ना है। मैं बोला वहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? तो बोलता है कि सर पढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ, नौकरी भी करने की ज़रूरत है, पर मेरे को आपसे पढ़ना है। मैं बोला यार तुम लोग जब पूरा नहीं पढ़े हो तो मिसगाइड करने के लिए पढ़ाते हो क्या? तो बोलता है अब सर क्या करें, नौकरी चाहिए, तो ये चीज़ बहुत है। क्या नहीं कोई नहीं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो फैक्टर्स एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसके टोटल 8 घटक हैं, 8 को याद रखना है। अभी मैं इसको लिखने के बाद आपको आंसर फॉर्मूले बता दूंगा। गुड गवर्नेंस आएगा, इसके बियॉन्ड एक लाइन नहीं लिख के आना, एकदम लिमिटेड नोट्स रखेंगे इसमें, सीधा उतार देना, देखना आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो 8 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, चलो एक अच्छा शासन क्या होगा जहां पर लोग और सरकार के बीच कैसी कैसी रिलेशन होंगे। अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पर 2 तरह का रिलेशन है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए उसकी। गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल। अब कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, ये वर्ड्स पूरे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जान है, कुछ ना बने। तो ये 7-8 वर्ड बता रहा हूँ, इसको लिख देना, ये आंसर बन जाएंगे। सही बता रहा हूँ, कुछ ना बने ना, ये 7-8 वर्ड को भी बताऊँगा, जो 8 वर्ड को समझ लेना, जहाँ भी जो भी मन आए लिख देना, सब जगह ठीक हो जाएगा। फीचर्स ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ नहीं समझ आ रहा है, इट इज़ कंसेंस ओरिएंटेड, इट इज़ अकाउंटेबल, व्हाट आर द बेसिक ब्यूरोक्रेसी की फीचर्स क्या हैं, इट मस्ट बी अकाउंटेबल, जवाबदेहिता तो रहनी चाहिए। तो ये जो 8 पॉइंट है ना, ये ना पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हर टॉपिक में अप्लाई होंगे, ये इतना अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि प्रशासनिक दुविधा, ये समस्या चल रही है, उसको ठीक कैसे करना है, मेक द सिस्टम अकाउंटेबल, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट ना पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जान है, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसको समझते हैं। फर्स्ट उसमें आता है अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेहिता, लिखेंगे जवाबदेहिता, ठीक है। तो जन जो है, जन के प्रति सरकार क्या होगी, जवाबदेही होगी। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि कंप्लीट जो हमारा क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कि वो लोकसभा में जाके अपने जो भी नीति है, नियोजन है, जो भी कार्य बनाया उसके लिए वो जवाब देते हैं। अगर वहाँ पर लोकसभा में जाके जवाब नहीं दे पाए तो लोग उनका सभा बदल देंगे ठीक है ना, मतलब हम सरकार बदल सकते हैं, हमारे पास उतनी शक्ति है। तो अल्टीमेटली पहला चीज़ क्या होता है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, क्यों अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार जो है वो जन के प्रति जवाबदेही है, और जन भी है सरकार के प्रति। जन कैसे सरकार के प्रति? सरकार ने कोई कानून बनाया, हमने कानून को तोड़ दिया, तो हमको जवाब देना पड़ेगा हमने कानून क्यों तोड़ा है, नहीं तो उठा के वो पनिशमेंट देगा। दोनों वे से है ना, कि उसने कुछ लॉ बनाया है, ठीक है, उसने लॉ बनाया, आप जाके रोड को पार कर दिए, पुलिस वाला पकड़ लिया, तो आप बोलो गुटखा ठूक लेता हूँ फिर बताऊँगा। बोला रुक इधर, गुटखा ठूक लेता हूँ, तो रोड कैसे क्रॉस किया? ठीक है ना। फिर आप बोलोगे सर 300 रुपये ले लो, बोलेगा सरकार 1500 बोली है, फिर सरकार और आपके पीछे पुलिस है, वो बहुत मदद करती है हमारी। ठीक है ना, सरकार बुरी है पुलिस तो अच्छी है, 1500 की जगह 300 ही ली है। ठीक है, दो सरकार। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि हम भी उसके प्रति जवाबदेही हैं, जो उसके नियम है कानून अगर हमने उसको तोड़ा है तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हम वी कॉन्ट ब्रीच द लॉ, हम विलफुल तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। और जब कोई कंडीशन ऐसा बन रहा है जहाँ पर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, हर जगह तो नहीं कर सकते। तो वन थिंग। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कहाँ गया? पीएम केयर्स को आरटीआई में लाओ भाई, अभी क्यों नहीं ला रहे हो रहा है ना। तो क्योंकि ऐसी सिस्टम बनाए गए। अकाउंटेबिलिटी पहली बात क्या फिक्स करती है? सबसे पहला चीज़ जब अकाउंटेबिलिटी होती तो क्या चीज होता है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट। सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है यहाँ पर? ट्रस्ट। आप रिश्ते में हैं पर अकाउंटेबल नहीं है, कहाँ गई थी, तुम्हें क्या करना है, तुम कहाँ गए थे, किसके साथ घूम रहे थे परसों, नहीं बताऊंगा, पक्का चक्कर चल रहा है, बता दिए तो ख़त्म चक्कर। नहीं वो पर्टिकुलर रोड में इस तरफ खड़ी थी, क्रॉस नहीं कर पा रही थी, मैं क्रॉस कर रहा था, अच्छा ठीक है, हो गया। और ज़्यादा शक करे तो अंधी थी, इंटेंशन कुछ भी था पर अगर आपने इसको रखा सामने, ठीक है, तो बात क्या हुआ, कम से कम आपने जवाब तो दिया। तो जवाब देता है इससे ज़्यादा जरूरी है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल वाले बच्चों के लिए खासकर मैसेज दे रहा हूँ, कॉलेज वालों के लिए, ये फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो, कि मम्मी पापा को ना पता चले। यही तो गलती कर दी है, इसको ऑन रखना था फ़ोन को और निरंतर जवाब देते रहना था झूठा, क्योंकि उनको ये नहीं सुनना था, उनको ये नहीं जानना है कि आप कहाँ हो, उनको ये जानना है कि आप ठीक हो। व्यवस्था इतनी सी है बस। तो वैसा ही होता है एक ट्रस्ट, ट्रस्ट उतना ही है। उसको ये नहीं जानना है कि आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रस्ट को ये नहीं जानना होता, ट्रस्ट को केवल ये जानना था कि आप ठीक तो हो ना, और अगर सच में वो चीज़ कोई पूछ रहा है तो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना पर। ठीक है, तो एक चीज़ क्या होता है कि सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी क्या लेकर आती है? ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट के बाद क्या लाती है? अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग द ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, ये करेगा। ठीक है, हाँ, सेकेंडरी क्या करेगा अकाउंटेबिलिटी होने से? बताइए जल्दी से फटाक, ट्राई तो करो, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो अपने आप में एक शब्द है ना, ट्रांसपेरेंसी अपने आप शब्द। अकाउंटेबिलिटी क्या लाएगा? वो भी अपने आप में एक वर्ड है, गुड गवर्नेंस के वर्ड है वो तो आप लोग गैस कर रहे हो, ऐसा नहीं। हाँ, रिड्यूस मिस यूज ऑफ पावर, हाँ, टू सम एक्सटेंड कर सकता है। जब हम क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, अगर हम किसी से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं तो वो कुछ भी करता चलेगा, पर जब हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे और उसको आंसर देना पड़ेगा तो वो किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचेगा जरूर। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो मिस यूज है ऑफ पावर, प्रेस्टीज, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, लिमिट करेगा। इट लिमिट्स द मिस यूज ऑफ गवर्नेंस। ठीक है ना, तो जो शासन है उसकी गलत तरीके से उपयोग को ये क्या करता है, सीमित करता है। इट लिमिट द मिस यूज। वेरी गुड, लिमिट द मिस यूज ऑफ गवर्नेंस, शासन व्यवस्था के दुरुपयोग को ये रोकने में मददगार होता है। पहली बात तो ट्रस्ट बनाता है, दूसरा इसको कम करता है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट पुलिस वाला भी आया, गांव में घुसा और गांव वाले को बोला कि यहाँ पर हत्या हुई थी, किसने किया? गांव वाले बोले कि पता नहीं। तो सरकार भी उस गांव पे कभी विश्वास नहीं करेगी, पुलिस वाला भी नहीं करेगा, छोड़ने यार इस गांव में होता है क्या, मतलब वहाँ रोज हत्या हो रही है। पर एक आदमी मुखबिर करके कुछ भी करके बताएगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। देखते हो ना मूवी, नक्सलिज्म क्यों गया, क्यों पनप रहा है? वाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़ या हर जगह पे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यह है कि ट्रस्ट नहीं है ना उनको सरकार पे और सरकार को उन पे। जब तक सरकार हर व्यक्ति को इस नज़र से देखेगा कि ये नक्सल है तो नक्सलवाद को ख़त्म नहीं कर पाएगा। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो एक व्यक्ति है, पहले उसकी समस्या ये है और पहले उसकी समस्याओं को मैं जानूं, उस पर मैं कुछ मरहम करूं, उसको मैं ठीक करने का प्रयास करूं। अपने आप नक्सलवाद खत्म होगा। पर हम क्या करेंगे? उल्टा, तो नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। आप प्रशासनिक अधिकारी बन के चले जाओगे। युवा एकदम नए, रोज इंटरव्यू में देखे गए थे, है ना, इंटरव्यू देखे गए थे, क्या करने जा रहे हो? जन सेवा। पहले दिन ही पोस्टिंग आया डीएसपी, जा जन सेवा कर ले। वहाँ गए, सामने 100 लोग खड़े हैं, बंदूक है, मूवी देख के गए हैं पिछले रात, है ना, कूद गए ठाएँ ठाएँ। आपका लग भी नहीं रही निशाना, वो पकड़ के जो मारेंगे ना, उस दिन पीछे रहना है। पहला, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नक्सली उठा के ले गया, क्या करोगे? सरेंडर। पहले सरेंडर करना है, उससे बात करना है। एलेक्स पॉल मेमन के बारे में पढ़ना कभी, उठा के ले गए थे, ठीक है ना। द काइंड ऑफ पर्सन ये सोचते, अपने बातों से उनको पूरा खुश करके वापस आ गए, सब चीज़ करके वो वापस आ गए। तो ये एक अधिकारी की क्या होती है? पहचान होती है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमको यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग, गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, सबसे पहले किसी भी जगह में जब नए काम होते हैं तो वहाँ पहला काम होता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग, लोगों को विश्वास हो। ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत, उसने ट्रस्ट बिल्डिंग किया, ठीक है ना। इतना ट्रस्ट बिल्ड कर दिया कि लोग फिर विश्वास किस पे करने नहीं लगे? दूसरे पे। जो उसके खुद के अच्छे थे उनको विश्वास करके दूसरे के प्रति चले गए। तो फर्स्ट थिंग होता है ट्रस्ट बिल्डिंग, जो कि कहाँ से होगा? जब हम अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेहिता होगी, ठीक है ना। पारिवारिक रिश्ते में भी काम आएगा ये, ठीक है, सिविल और केवल प्रशासन में नहीं, प्रशासन से परिवार तक सारा समझौता यहीं पर कराऊंगा आज मैं। नंबर 2 क्या है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जिसको क्या बोलते हैं? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शिता, ठीक है ना, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। क्या होता है ट्रांसपेरेंट? मतलब बोलो, गवर्नमेंट का जो भी फंक्शन होगा, नहीं गवर्नमेंट का ना, ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट मतलब बताओ, ऐसी चीज़ जिसको इस पार से उस पार देख सकते हैं। सिंपल से यही चीज़ है ना। एक ट्रांसपेरेंट वो मीडियम है जिसके आर पर हम देख सकते हैं, है ना। तो लोगों को वो अधिकार हो, लोग यहाँ बैठकर सरकार के अंदर देख पाएँ। सरकार के अंदर देख पाएँ मतलब क्या देखेंगे? हाँ, कि मोर कहाँ से आया था फोटो खींचने वाला? नहीं, वो नहीं, वो तो पर्सनल लाइफ हो गया। हाँ, कौन सा वाला देखना है? काम कैसे कर रही है, हमारा जो टैक्स उसको सही से यूज़ कर रही है, और जो हमारे शासन के लिए पैसा है उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, ये सारा चीज़। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, जो कार्य है, उस कार्य की जानकारी लोगों को अवगत कराना, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट एनी फंक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी कार्य कर रही है उस कार्य का डे टू डे या उसके बारे में लोगों को जानकारी सुनिश्चित करना, वो होता है ट्रांसपेरेंसी। अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखें सिस्टम को, और पीठ पीछे सब कुछ चल रहा है, तो क्या हो गया? करप्शन हो जाएगा। वही करप्शन है जो चीज़ों को छुप के कर दिया गया, इलीगली कर दिया। तो जो लीगल है उसको लीगल फ्रेम के ऊपर लोगों तक पहुंचाना, वो होता है ट्रांसपेरेंसी। कि सरकार के जो कार्य हैं, जो भी उसकी गतिविधि हैं, उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी पारदर्शी रूप से लोगों तक जानकारी अवगत होनी चाहिए, ठीक है। जवाबदेहिता मतलब गवर्नमेंट आंसर देगी। पारदर्शिता मतलब जो फंक्शन चल रहा है वो है, ऐसे सिस्टम में आपने रख दिया है कि लोग डायरेक्टली देख पा रहे। टेंडर निकाला तो सरकार टेंडर छुप के नहीं निकालेगी। टेंडर निकाला, सबको टेंडरिंग कर सकते हैं, हर कोई टेंडर में वहाँ पर फॉर्म डालेंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको रिजल्ट दिया जाएगा, वो जाके काम करेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा फ्रॉड कहाँ पर होता है? इसी में होता है। सरकार का जितना भी फंक्शन है, जितना भी काम है, इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड कहाँ पर होता है? टेंडरिंग में ही होता है। कोई भी कार्य उठाना होता है तो उसमें ये चीज़ चलती है, है ना। और भी ऐसे सिस्टम है, ऐसी और भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की जहाँ पर ये फ्रॉडरी चलेगा। तो जितने भी सिस्टम, जैसे कि अभी देखो क्या था कि इलेक्टोरल बॉन्ड था, एनोनिमस नेम से लिया गया, तो क्या वो ट्रांसपेरेंट था? और उसको ये चीज़ प्रोजेक्ट कर दिया गया थी कि ये ट्रांसपेरेंट है, लोगों का नाम नहीं आएगा तो लोग अपने स्वेच्छा से देंगे। स्वेच्छा दिख तो रहा है, वो स्वेच्छा है कि कौन सा इच्छा, वो तो सामने दिख रहा है। 3 बजे भूख लगी थी, 6 बजे खाना मिला, भूख मिटेगा? शायद मर जाए बीच में, बीच में मर जाए तो 3 बजे भूख लगी तो खाना 3 बजे मिले, टाइम बाउंड। अगर कोई सिस्टम टाइम बाउंड चल रहा है तो एफिशिएंट है कि नहीं, उसमें क्षमता है और वो प्रभावी भी है, ठीक है ना। तो जो नीड है उस नीड के हिसाब से एक सिस्टम जो वर्क करे, तो मतलब ये सिंपल सी बात है कि सिस्टम ऐसा एफिशिएंट होना चाहिए कि जिस समय जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है शासन उस समय उसको वो चीज़ पहुंचा पा रही है, वो होगी उसकी एफिशिएंसी और वो हर जगह तक पहुंच पा रही है। हाँ, इफेक्टिव कैसे होगा, ये तो क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो टाइम को बता रहा है कि टाइम बाउंडेड वो अपने वर्क को परफॉर्म करे, दैट मीन्स एफिशिएंट है वो, टाइम बाउंडेड। गवर्नमेंट शुड परफॉर्म इट्स ड्यूटी इन द डिफाइंड टाइम और द डिफाइंड टाइम फ्रेमवर्क मैनर, समयबद्ध सरकार अपने कार्यों को निर्धारित करे, यही उसकी क्या है एफिशिएंसी है, टाइम बाउंड, ठीक है। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और द गुड्स बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, लोगों तक या जन तक सरकार द्वारा जो भी सेवा या वस्तु दी जा रही है वह समयबद्ध रूप से प्रायोजित किया जाए। चलो एक तो हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, ये तो हो गया मेरा एफिशिएंट। इफेक्टिव क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव? हाँ, और ऑब्जेक्ट ड्रिवन, एंड गोल मिल जाए, ठीक है। नहीं, गोल तक आप जा रहे हो, सही जा रहे हो कि एंड गोल हमको पाना है। इफेक्टिव सिस्टम वो होगा जो उस गोल तक पहुंच जाएगा कम लागत पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, वो इफेक्टिव है और वही एफिशिएंट है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी हमारे क्या है, संसाधन का बेहतर प्रयोग जो कर पाएगा वो इफेक्टिव है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन टू रीच द एंड गोल या आउटकम, अपने जो भी आउटकम या एंड गोल है उसको पाने के लिए जो सबसे बेहतर रूप से अपने उसका इस्तेमाल करेगा रिसोर्सेज का, वो है एफिशिएंट और इफेक्टिव। वो भी एफिशिएंसी है, बट यहाँ पर जो क्षमता निर्माण की बात हो रही है, जो मैंने एफिशिएंसी बताई इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एफिशिएंसी अलग चीज़ है, उसको इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। और एफिशिएंसी हम लोग टाइम बाउंड कि लोगों तक कितने जल्दी जुड़े, हाँ बात वही है दोनों में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मस्ट फॉलो या फॉलो रूल ऑफ लॉ, एक ऐसी व्यवस्था जो विधि के शासन को स्वीकारती है या अपनाती है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, किसके द्वारा, दोनों कंपोनेंट के द्वारा। सरकार भी कानून से ही चल रही है, सरकार कानून से बड़ी नहीं हो जाएगी और लोग भी कानून से चलेंगे। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट मस्ट वर्क विद इन द लॉ एंड पीपल ऑल्सो फॉलो द लॉ, ठीक है ना। दो चीज़ें होती है, एक होता है रूल बाय लॉ, एक होता है रूल ऑफ लॉ। रूल बाय लॉ मतलब हमें विधि के द्वारा शासित किया जा रहा है, और एक होता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो हमारे यहाँ पर विधि का शासन होना चाहिए, विधि द्वारा हमें शासित ना किया जाए, जो ब्रिटिशर्स ने किया। मतलब जो गवर्नमेंट का मन कर रहा है उसके हिसाब से वो कानून लाकर हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या हो रही है, अथॉरिटेटिव हो रही है। इसलिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन कि ये संविधान है, इसके प्रारूप के अगेंस्ट जाकर किसी भी तरीके का आप लॉ मेकिंग नहीं कर सकते, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू यही है, तो जो कानून है वो सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, फॉलो द रूल ऑफ, मतलब कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, कानून की सर्वप्रियता, या बोल सकते हैं कानून ही सर्वप्रिय है, तो लिख लीजिए उसको, कानून की सर्वप्रियता। और कानून के अंतर बाध्य होकर सरकार एवं जो जन है दोनों का कार्य निष्पादन होगा। द वर्क ऑफ द बोथ पीपल एंड द गवर्नमेंट मस्ट बी डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो वो किससे होगा, वन वी फॉलो द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसके बाद सभी को पता ही है पार्टिसिपेटरी, एक ऐसा जो कि क्या होगा, पार्टिसिपेटरी होगा, जिसमें क्या होगी, सहभागिता होगी। सहभागिता ठीक है, तो सरकार जन को सहभागिता में लाया जाए, कोशिश करे। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसमें गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं कर पाएगी, हर चीज़ नहीं दे सकती, तो लोगों को उसमें इंक्लूड करे, लोगों तक दे कि आप इसको डेवलप करके दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुड गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है कि जब दोनों के दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं और दोनों के पीछे सारा रिलेशन तो होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, सहभागिता। सहभागिता जब भी आती है तो एक चीज़ ये आता है, जब भी हम लोगों को जोड़ दें आपस में तो सबसे पहली बात आती है कि जो डिसीजन है वो लेगा कौन। अगर मैं बोलूँ इस क्लास में हमको एक डिसीजन लेना है तो डिसीजन हम कैसे लेंगे, हम एक कोई डेमोक्रेटिक मीन अपना लेंगे, मैं बोल दूंगा कि ठीक है हाथ उठाइए और हम इलेक्शन करा लेते हैं। पर अगर मैं ये ना करूं और मैं बोलूंगा कि एक निष्कर्ष निकालते हैं, निकल जाएगा, आज तो मुश्किल है, कल शायद, परसों दो तीन सो जाएंगे, तो जो बचेगा लास्ट तक वो बोलेगा मैं जीत गया और मैं जो चाहता हूँ वही निष्कर्ष होगा। तो कब निकलेगा, गवर्नमेंट और पीपल के बीच जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो डिसीजन आएगा कैसे, कैसे आएगा डिसीजन। और कोई भी डिसीजन जब दोनों ही एक्टिव हैं तो कैसे लिया जाए, सरकार जो बोले उसको निर्णय माने या जो लोग बोल रहे हैं उसे निर्णय माने, उसको बोलते हैं कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंस मतलब होता है कि हर व्यक्ति जिसमें भी लोग हैं सभी को मिलाकर जो भी निर्णय प्रक्रिया होगी उस निर्णय प्रक्रिया को सब मिलकर लें, कंसेंस ओरिएंटेड, सभी के मत को, तो मत आधारित क्या होगा, निर्णय होगा, मत आधारित कंसेंस, कि हर किसी का कंसेंस वहाँ पर होना चाहिए। लोग भी बोल रहे हैं कि ठीक है आप ये कर लीजिए, सरकार भी बोल रहे हैं हम ये करना चाहते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सरकार लोगों से पूछ रही है और सरकार उसमें सहमति दे रही है, ठीक है ना, सहमति बोलते हैं कंसेंस को, ठीक है ना। तो सहमति पर आधारित होगा, वहाँ पर क्या, किस पर नहीं आधारित होगा, सहमति होनी चाहिए, ना कि एक प्रकार से ऑर्डर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं लेगी, सहमति होगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी ऑर्डर कर रही है सहमति से ज़्यादा। हाँ, किसान कानून देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ों में उसने कोशिश भी किया कि सहमति, किस में सहमति दिखाया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के बाद ड्राफ्ट को लोगों को दे दिया, आप देख लीजिए इसमें जो चेंज करना है कर लीजिए, लिटरेसी भी दे दो उसके पहले, उसमें लोग क्या चेंज करवा पाएंगे। किसान कानून में देते तो लोग करवाते चेंज, आपने उस कानून को दिया लोगों के सामने जिस कानून में लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। पहले तो एजुकेशन पॉलिसी को कौन समझ पाएगा, पढ़े लिखे लोग, तो वो तो किसान कानून में भी बोल ही रहे हैं, पर उसमें तो एक नॉर्मल पीपल ही बोल सकते थे। ट्रक वालों ने अच्छा दम लगाया तो एक ही दिन में हो गया, उनका कानून हट गया। तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए कि कैसा, जहाँ पर कंसेंस ओरिएंटेड, ठीक है। अब इसमें से जो ना दिखे आपके सरकार में, समझ लो वो छुप रहा है और वो करप्शन कर रहा है। अकाउंटेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ तो बड़ी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो अकाउंटेबल थे। ट्रांसपेरेंसी, तो हर एक चीज़ को आरटीआई के एम्बिट में रखना था, तो 2 इंपॉर्टेंट फंड ई बॉन्ड और दूसरा पीएम केयर, ट्रांसपेरेंसी के बाहर हैं, आरटीआई में है ही नहीं, हमें पता ही नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। रिस्पॉन्सिव, सुनने में बढ़िया है भारत में कि कोई रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, ये भी नहीं। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, हो रहा है क्या। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इसमें थोड़ा प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से करते हैं, पर यह भी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर एक कानून सीधा बोलते हैं ना कि अभी तो क्या हुआ है, लॉ तोड़ा गया है, अभी तो हत्या हुई है, अभी पुलिस कहाँ आएगी, हत्यारा भाग तो जाए, ठीक है ना। तो जब तक हत्यारा भागा ही नहीं पुलिस कहाँ से आएगी, तो वो व्यवस्था जब तक ना बने कि ऑन स्पॉट पुलिस खड़ी है, तब तक हम अभी तो इससे बहुत दूर है। बुलडोज़र अच्छा बुलडोज़र, फिर क्या आता है, रूल ऑफ लॉ। तो विधि के शासन अब हम भी नहीं स्वीकारते और वो भी नहीं स्वीकारते, तो अगर नहीं, वो संविधान बदलने वाले, हम भी तो रोज रोड क्रॉस कर देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को तो हम भी पार कर देते हैं ना रोज, लाल लाल, हाँ चलो अभी कोई नहीं है, तो हम भी तो हर कानून को तोड़ देते हैं ना। वो संविधान बदलने वाला तो हम लोग बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, पर हम भी तो रोज एक कानून तोड़ रहे हैं, तो कानून जब हम भी पूरा माने, तो अभी तो बोल ही रहे हैं, तो ये तो कोई अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है। सहभागिता, वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं, सहभागिता के तो बाकी चीज़ छोड़ ही दो, तो बस बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप सरकार से और कंसेंस ओरिएंटेड पूछे तो सही पहले पूछे तो सही। तो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ऐसा नहीं है, पर हम सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे हम सुशासन दिवस तो हर साल मना रहे हैं, पर एक्चुअल में सुशासन देखोगे तो उसमें ये सारा चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, गिव इट्स एट्रीब्यूट। एक डेफिनेशन है और एट्रीब्यूट्स में ये 8 पॉइंट को समझाना है। समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर आलोचना करें, गिव द क्रिटिसिज्म ऑफ गुड गवर्नेंस, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, तो क्या बोलोगे? बताइए। सबसे पहली बात इसको लिखो, सुशासन की आलोचना, फटाफट लिखिए। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी मैं दूंगा आपको ना इसका नोट्स, आप उससे सीधा याद करना। क्रिटिसिज्म ऑफ गुड गवर्नेंस, तो पहली बात तो क्रिटिसिज्म ये रहा कि ये जो अवधारणा दिया किसने है, वर्ल्ड बैंक ने, किसी राज्य ने नहीं दिया है। तो इसको अगर हर कंट्री मानेंगे तो ये क्या बोले कि कहीं ना कहीं ये एक एजेंसी ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। और एजेंसी ने ये कोशिश किया है कि किसी भी देश की इसमें संप्रभुता को खतरा हो सकता है। द गुड गवर्नेंस एनक्रोच अपॉन द सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन, राज्य की संप्रभुता पर आपका क्या है, सुशासन एक प्रकार से क्या करता है, लिमिट लगाता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो सरकार अपने हिसाब से कोई भी निर्णय नहीं लेगी, बैलेंस होना चाहिए ना। तो फर्स्ट क्या है, सोवेनिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं है, बिल्कुल करेगा। जब हर चीज़ में किसी को घुसा देंगे तो लिबरलिज्म के नाम पे कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो कहीं ना अगर इसके हिसाब से ही चलोगे हर बार तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएगा इंसान। क्लियर हो रहा है? पर हाँ, इसका ऐसा नहीं कि इसको एकदम निगेट करना है। तो अब ये क्रिटिसिज्म वाले कुछ भी बताते हैं, आलोचना करना है, बैठे और आलोचना कर दिए, नहीं इसमें पार्टिसिपेशन की स्पेलिंग गलत है, कर दिया मैंने आलोचना, इसका ये वाला मीनिंग यूज़ करना चाहिए था, वो भी एक आलोचना हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं लिखकर विलफुल पार्टिसिपेशन लिखना, तो ये मेरा आलोचना है, जो आना चाहे उसी को लाया जाए, सबको नहीं लाया जाए, क्योंकि व्यक्ति की निजता पे ये क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। हो गया क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म वालों को सीरियस नहीं लेना है, बस लिखना है। ठीक है ना, उनको लिखना होता है, याद रखना, क्रिटिसिज्म वालों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, जो बोले हम बस उसको लिख देना, समझने का प्रयास नहीं करना ज़्यादा, इमोशनल भी नहीं होना कि उन्होंने ये बोला। जो अच्छी बातें रखी गई उसको सीखना है, बुरी बातों को सीखे, वो क्रिटिसिज्म वाले वही करते हैं। वर्ल्ड बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोला, उसने बोला मैंने तो बोल दिया। ठीक है, अब हमें लेकिन विश्लेषण करवा रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज द गुड गवर्नेंस। ठीक है ना, आपका क्या है, सुशासन को आलोचनात्मक टिप्पणी करें या विश्लेषण करें। तो आलोचनात्मक विश्लेषण में पहले समझाओगे क्या है, फिर उसका एक क्रिटिसिज्म लिखोगे, जो बता रहा हूँ। तो पहला क्या बोल रहे हैं, इट मे एनक्रोच द सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन, किसी भी राज्य के संप्रभुता को यह क्या कर सकता है, उस पर हस्तक्षेप करता है। और वर्ल्ड बैंक जैसी कोई एक एजेंसी जो डोनर एजेंसी जो क्या करती है, पैसा देती है, वो इस तरह के गवर्नेंस सिस्टम को डिक्टेट नहीं कर सकती किसी भी कंट्री को। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक जैसी जो डोनर कंपनी है, वो है बैंक है, एक डोनर एजेंसी है, वो किसी भी कंट्री को ये नहीं बता सकती कि आपको इस तरह की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर रहने तो ज़्यादा अच्छा है, या सरकार ही बताएगी क्या होगी तो ज़्यादा अच्छा है। पहला नंबर 2, इसको बोला गया इट स्प्रेड द गॉस्पेल ऑफ कैपिटलिज्म। इट स्प्रेड द गॉस्पेल, GOSPEL ऑफ कैपिटलिज्म। ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, यह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें क्या दिख रहा है कि गवर्नमेंट को कम करके रोल ऑफ मार्केट को यहाँ पर इंक्रीज करने की बात कर रही है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, सरकार को सीमित करते हुए जो क्या है बाजार तंत्र है उसको और बड़ा करने का प्रयास किया गया है। बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट द गवर्नेंस एंड इट मे इंक्रीज द मार्केट फंक्शन। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, केवल रेगुलेटर बन के रह जाएगी, वो खाली लॉ बनाते रहेगी और सारा चीज कौन करेंगे, लोग करेंगे। तो अल्टीमेटली वो बोल रहे हैं कि सरकार करप्शन नहीं करेगी, पर लोग करने लगे ना तो सरकार कहीं की नहीं रह जाएगी, सरकार का देश कहीं का नहीं रहेगा, जब लोग करप्शन पे आ जाएं। जब तक गवर्नमेंट कर रही है करप्शन ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, सच्चाई तो ये ना, इतने करोड़ के जनसंख्या में 1 करोड़ लोग करप्ट हैं जो सरकार में बैठे हैं। नहीं, हम सोचते हैं ऐसा कि मान लो अगर हमारे पास 10 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कितनी इंडिया की पॉपुलेशन? हाँ 140 मान लो, चलो अभी प्रेजेंट के हिसाब से 140। 140 करोड़ में हम ये बोलते हैं कि 10 करोड़ जो सरकारी नौकर हैं या कर्मचारी हैं, नौकरी बोलो, नौकर सही है, ठीक है ना, तो वो लोग करप्ट हैं। हम ये बोल के बोले कि करप्शन ये लोग करते हैं, तो उसमें मंत्री है, उसमें आपके सिविल सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अलग अलग। तो ये लाइन कहना बड़ा गलत है इस भारत के अंदर, क्योंकि जो बचे हुए 130 करोड़ हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उन लोग को नहीं ऐसे, फिर भी वो 130 करोड़ हैं, उसमें इससे 10 गुना ज़्यादा लोग हैं जो करप्ट हैं। अगर 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी करप्शन कर रहे होंगे ना, तो जो अगर पीपल का रेशियो से निकाल दूं तो कम से कम इसमें से ज़्यादा नहीं तो 50 करोड़ जो जनसंख्या होगी वो करप्ट होगी, क्योंकि 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, ठीक है ना, यही होगी। समझ रहे, छोटे से छोटे लेवल पे हम करप्शन को प्रयास करते हैं। अब खुद देखो, आप भी किए होंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, चाहे वेट में किया कि भाई ये चीज़ इसको इतना ले लेते हैं, कभी टैक्स की चोरी कर लिया किसी ने, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पटाएंगे, ठीक है, कहीं पर हो गया कि पुलिस वाले ही नहीं पकड़ा, उसी को बोल दी कि हम पूरा नहीं फाइन करेंगे, ये ले 100 रुपये छोड़ दे। आप क्या कर रहे हो? करप्शन को आप प्रमोट कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो वो करप्ट है तो उसको देने में मजा आया। तो आप भी तो हो, अच्छा होता कि आप हेलमेट पहन के निकल जाते ना, आप कानून तोड़े होते ना उसके हाथ में पैसा जाता। तो करप्शन को पुलिस वाले ने जन्म दिया गलत है, वो तो बचाया, ठीक है, उसने लिया और बचाया भी, पर आपने जन्म दिया उसे, समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये बता रहे, ये रेशियो कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए गुड गवर्नेंस में वो दोनों को एकोमोडेट कर रहा है। जो काम लॉ को केवल सरकार को नहीं मानना है, हमें भी मानना पड़ेगा, तभी सिस्टम अच्छा होगा। नहीं तो हम क्या करते रहेंगे, कोई मंत्री चोरी कर लिया तो उसके पीछे पूरा कमेंट मारेंगे, ये तो पहले से ही ऐसा था, इसका नीयत खराब है। अरे अपना देख लो, और जो एक्चुअल में कमेंट कर रहे हैं उनका नीयत खुद में खराब है, क्योंकि जो सही चल रहा है उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, समझ आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि ईडी में जितने ऑफिसर्स होंगे या आईटी में जितने ऑफिसर होंगे वो करप्शन नहीं करते होंगे? वो तो ईडी और आईटी के ऑफिसर करके सबका करप्शन जांच रहे हैं, खुद में कितने करप्ट होंगे, खुद में कितने करप्ट होंगे? जब वो करप्शन कर रहे होंगे तो कोई उसको जाते होंगे तो बोलते होंगे यार इतना ले, छोड़ना, बताना मत, हाँ ठीक है, करवा देना। तो समझ आ रहा है ना, क्योंकि चौकीदार ही समझ आ रहा, सिस्टम ऐसा है, क्योंकि हमें उस सिस्टम को पूरा सुधारना होगा, क्योंकि सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी, इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए तो एक तो ये हो गया, और सेकंड क्या है, गॉस्पेल ऑफ कैपिटलिज्म बताया, लिखा सभी है, हिंदी में लिखे उसको, या पूंजीवाद को क्या करता है, बढ़ावा देता है, कैसे, बाजार को कम करके सरकार को बढ़ा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या लिखे थे, कितने पॉइंट लिखे हैं, 2 ही हुए हैं, चलो अभी मैं ज़्यादा बता, थर्ड लिखो, इट एम्फसाइजेस ऑन सिंगल मॉडल ऑफ गवर्नेंस रेदर देन इंक्लूडिंग अदर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। यह केवल गवर्नेंस के एक ही मॉडल को प्रदर्शित करता है और विभिन्न सभी मॉडलों को समायोजित नहीं करता। तो ऐसे गवर्नेंस के बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, जिसमें से एक गुड गवर्नेंस है, पर गुड गवर्नेंस में अदर मॉडल्स के को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अभी इसको लाइन को लिख के याद बस कर लेना। अब वो अदर मॉडल क्या है उसके लिए फिर आपको सिर्फ मॉडल पढ़ना है, जो फिर टॉपिक में नहीं है, जो डायरेक्टली आपके टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ों को पहले डिफाइन करना होगा, ओके। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है, आज के प्रेजेंट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो नए रूप के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहाँ पर इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर गुड गवर्नेंस में समस्याएँ थी, अच्छा था, ये सारी चीज़ होने से अच्छी होंगी चीज़ें, तो इसमें जो समस्याएं रह गई हैं या गवर्नेंस की जो समस्याएं रह गई, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिव प्रयास तो कर रहे हैं पर पूरे रूप से नहीं है, इक्विटेबल बनने का प्रयास कर रहे हैं पूरे रूप से नहीं है, इफेक्टिव तो ये सारे चीज़ों को ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ें क्या हो जाए, बिल्कुल जैसा हम ये 8 पॉइंट बोल रहे हैं ऐसा ही एक पॉइंट 8 पॉइंट का एक गवर्नेंस सिस्टम बन जाए, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली अपनी आंखों से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसी चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी जो चीज़ इस हमसे फास्ट हो और वो हर जगह में हर समय मौजूद हो, और उसे बोलते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए क्या लाया गया,